स्टूडेंट्स, ये करंट टेस्ट सीरीज का 16वां पार्ट है और सबसे पहले हम 15वें पार्ट का आंसर करेंगे, उसके बाद 16वां पार्ट का क्वेश्चन लेंगे। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है आप लोगों का। पहले सवाल का जवाब है खादी और दूसरे प्रश्न का उत्तर है 14,842 रुपया प्रति माह। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सभी प्रकार के लोन और चौथे प्रश्न का उत्तर है 10 बैंकों को 4 बैंक में बनाना और पांचवें प्रश्न का उत्तर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। छठे प्रश्न का उत्तर है 80वां, प्रथम स्थान डेनमार्क का है और न्यूजीलैंड का है, उसके बाद भारत का 80वां है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार। सातवें प्रश्न का उत्तर है पलाव। आठवें प्रश्न का उत्तर है सुनील अरोड़ा और नौवें प्रश्न का उत्तर है, पांच देश का नाम आपको जानना है, बहुत मत, एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनिशिया तथा वियतनाम। ये पांच देश हैं जो अस्थाई सदस्य 2 साल के लिए बने हैं। दसवें प्रश्न का उत्तर है हेली क्लिंटन। चलिए 16वां का सीरीज शुरू करते हैं। 16वां का पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने कैनरा बैंक के साथ किस बैंकों के विलय का ऐलान किया है? कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा। दूसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने इंडियन बैंक के साथ किस बैंकों के विलय का ऐलान किया है? तीसरा प्रश्न, आरबीआई ने केंद्र सरकार को वर्ष 2019 में सरप्लस फंड और डिविडेंड के रूप में कितने रुपये दिए हैं? और चौथा प्रश्न, आरबीआई ने किस समिति के सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए? और पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर से लुढ़क कर किस स्थान पर पहुंच गया? और छठा प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक 24 जनवरी 2020 की थीम क्या थी? सातवां प्रश्न, अमेरिका के बाद दूसरा हथियार उत्पादक देश कौन बन गया है? आठवां प्रश्न, भारत और ब्राजील के साथ जनवरी 2020 में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? नवा प्रश्न, योग को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? और दसवां प्रश्न, दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ करने वाला देश कौन है? ई पासपोर्ट। तो चलिए, करंट के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट का आपको ख्याल रखना है। करंट की 1 से 150 वीडियो, उसको बार बार आप सुने और सबसे पहले GK 1 से 105 को उसकी तैयारी आप कर लीजिए, आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, थैंक यू।